मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का YouTube चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। और दीदी लिख रही हैं कि पुष्प सज्जा उनके महाराज जी के तख्त पर जो होती है, उस पुष्प सज्जा में महाराज जी के चरण कमल उभर के आ जाते हैं और उस पुष्प सज्जा में कभी हनुमान जी हाथ जोड़े हुए हैं, कभी ऐसी आकृति उभरती हैं जिसमें महाराज जी का वहां होना उनके प्रकटीकरण का सबूत बन जाता है। और ऐसा भी नहीं कि केवल दादा को दिखाई पड़ते हो, सब भक्तों को दिखाई पड़ रहे हैं। लोग आते हैं, उसको देखते हैं। संत परमानंद जी जब वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि दादा अब पुष्प सज्जा में लग जाते हैं। तो जिस तरह से दादा लगे हुए हैं, यह गुरु के प्रति निष्ठा भाव है, गुरु भक्त की उत्कृष्ट नमूना है, उत्कृष्ट उदाहरण है। दीदी लिखती हैं कि संत परमानंद ने यह बात धर्म संसदें लगती हैं, धर्म की चर्चाएं होती हैं, धर्म गोष्ठियां होती हैं, उनमें बहुत प्रमुखता से इस बात को उस समय उन्होंने कहा। उस समय रजनीश के एक शिष्य आए थे, उन्होंने कहा कि दादा जहां भी ध्यान केंद्रित करेंगे वहीं नवीन अनुभूत होगी, ध्यानावस्था है और इस ध्यानावस्था को रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, है ना। कोई चीज जब एकदम ऐतिहासिक घटती है तो फिर ऐसा होता है कि आदमी को उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देखिए संसार से लोग चले जाते हैं और चले जाने के बाद क्या रह जाता है, अरे मैं बोल रहा हूं ना, और मैं अगर चला भी जाऊं तो मैं आपके पास ऐसे यूं ही बातें करता रहूंगा और लोग मतलब यही रिकॉर्ड करने की बात कही है। तो इतनी अच्छी पुष्प सज्जा अब प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी कर रहे हैं। दीदी लिखती हैं कि फूलों पर महाराज जी के जो चरण दिखते हैं ना, उनको देखकर वो और भक्त लोग जो आते हैं वो एकदम भाव विवल हो जाते हैं, क्योंकि अगर भगवान के चरण मिलते रहें तो आप समझ लीजिए कि मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा। मित्रों एक दिन की बात है कि जो सजावट में अमलतास की कलियों का जो कलियां आती हैं तो उनका प्रयोग किया दादा ने, और हनुमान चालीसा पे उससे राम राम लिखा। तो जितनी कलियां उन्होंने प्रयोग की थी और रख दी थी तो वो एकदम दीपक जैसे प्रज्वलित हो जाता है और प्रकाश करता है, उन कलियों ने उसी तरह वहां प्रकाश किया। आप समझ लीजिए कि जो सज्जा होती थी, जो पुष्प सज्जा सुधीर दादा करते थे उसमें महाराज जी स्वयं उपस्थित रहते थे। अमलतास की जो कलियां थी उनसे उन्होंने राम राम जब लिखा और जब वो कलियां ऐसी रख दी तो दीपक की तरह प्रज्वलित हो गई थी। आज भी फोर चर्च लेन में दादा नहीं है, कमला दीदी नहीं है, लेकिन अशोका दीदी हैं। वहां सत्या बहन जी हैं, अभी वहां पांडे साहब हैं, सत्या बहन जी के पति हैं, वो सेवा वहां कर रहे हैं। इन सबके मैं दर्शन करवाऊंगा, आपको दर्शन कराने का सौभाग्य हमें मिलेगा, मैं भी करूंगा। तो आप समझ लीजिए कि पुष्प सज्जा अभी भी जारी है और जिस दिन पहुंचूंगा उस दिन आपको उसके दर्शन करवाऊंगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।